आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं उत्तृष्णा यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। आंध्र प्रदेश में बस पलटने से 5 लोगों की मौत, 7 घायल। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली में मानसून का इंतजार अभी बाकी। कोरोना के नए मामलों में गिरावट, 24 घंटों में 8,084 मामले, 48,000 के करीब हुए एक्टिव। ईडी दफ्तर के बाहर लगाए गए धारा 144, राहुल गांधी की पेशी के पहले हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराव मुंबई ने बेंगलोर को दी गई योजनाओं की सौगात, कहा शहर की योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, मालेपुरे पुलिस को शार्प शूटर संतोष यादव को किया गिरफ्तार, कई दिनों से थी तलाश। बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा यूपी CM चीफ जस्टिस हो गए। पैगंबर टिप्पणी विवाद के बीच गौतम गंभीर ने नूपुर शर्मा के समर्थन में किया ट्वीट। बोरवेल में गिरे मासूम को निकाला, 60 घंटे से रेस्क्यू जारी, रोबोट से निकालने की योजना फेल, पत्थरों को काटकर बनाया जा रहा है सुरंग, कोयला चोरी। छत्तीसगढ़ में कोयला चोरी के वायरल वीडियो पर सियासत, रमन सिंह बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, सीएम भूपेश ने कहा फर्क नहीं पड़ता। असम में कार्मिक परिषद के चुनाव, बीजेपी का क्लीन स्वैप, कांग्रेस नहीं का खुला खाता। केंद्र के कदम पर चला हरियाणा, सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में कैडर के हिसाब से मिलेगा आरक्षण। बहन की चिता पर भाई ने भी जान दी चचेरे, भाई 430 किलोमीटर बाइक चलाकर घर पहुंचा और बहन की जलती चिता में कूद गया। सात लेयर में होगा जगन्नाथ मंदिर का विकास, कॉरिडोर बनने के बाद 25 लाख लोग एक साथ देख सकेंगे रथ यात्रा। भोपाल ब्लेड हमले में 118 टाके वाली पीड़ित ने सीएम बोली, सीएम मैं हूं ना, कठोर एक्शन लेंगे और भोपाल में आरोपियों के घर चलेगा बुलडोजर। स्टेट बैंक ब्रांच में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। झांसी में सड़क हादसे में इकलौते बेटे की मौत, घर पहुंचने से 500 मीटर पहले अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मचा कोहरा। आगरा में गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी, स्ट्रीट स्ट्रोक का बना खतरा, गर्मी में राजमिस्त्री की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत। गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू, पब्लिक प्लेस पर ईंट के टुकड़े भी इकट्ठा नहीं कर सकेंगे।
गोरखपुर में भी बवाल की थी तैयारी। जुमे को माहौल बिगाड़ने के हुए प्रयास। 54 घरों की छतों पर ईंट पत्थर। पुलिस ने दिया नोटिस। सीए विरोध में हो चुका है बवाल। सहारनपुर बवाल से एक घंटे पहले छपे थे नूपुर के पोस्टर। 50 पोस्टर के लिए 650 रुपए रेट तय। शेखपुरा की दीवारों पर लगे थे भड़काऊ पोस्टर। शहर से गांव तक अंधेरा। 26,000 मेगावाट बिजली सप्लाई के बाद भी जनता परेशान। एक दिन में खराब हो रहे 500 ट्रांसफार्मर। जेल मंत्री ने मनाया महिला बंदी की बिटिया का जन्मदिन। मुजफ्फरनगर जिला कारागार पहुंचे राज्य मंत्री। धर्मवीर प्रजापति केक काटा और उपहार किए भी। गुजरात पहुंची पहली रैपिड रेल। गुजरात में 950 किलोमीटर सफर करके ट्रेलर पर लगाया गया 6 कोच। दुहाई डिपो में जुड़ेगा ट्रेन। आगरा में माहौल बिगाड़ने का प्रयास। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मैसेज। छतों पर पत्थर इकट्ठा करने की शिकायत। 7 पर मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद में अटकी 311 करोड़ की कार्य योजना। प्रभारी मंत्री की तैनाती न होने के कारण नहीं मिल सकी स्वीकृति। स्वास्थ्य शिक्षा और पानी की योजना है शामिल। यूपी में बुलडोजर पर एक्शन पर सियासत रिएक्शन। ओवैसी बोले सीएम मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रहे। मायावती ने कहा आतंक का माहौल बनाया जा रहा। अचानक नोएडा जिला अस्पताल पहुंचे ब्रजेश पाठक। अस्पताल का रजिस्टर्ड चेक किया। ओपीडी में मरीजों से बातचीत की और डॉक्टरों को लगाई फटकार। फिरोजाबाद में मुंह ढककर आए थे हंगामा करने वाले। जुमे की नमाज के दिन शहर का माहौल खराब करने की हुई थी कोशिश। पुलिस कर रही तलाश। लखनऊ में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे 15 साल से नौकरी कर रहे 10 जेलकर्मी बर्खास्त। सैलरी की होगी वसूली। पत्थरबाजी पर मोदी के मंत्री वर्मा बोले दंगाइयों को सबक सिखा रहा बुलडोजर। ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बरेली में हिंदू रक्षा दल के नेता की पैगंबरे इस्लाम पर विवादित पोस्ट। भोजपुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी। अब तक 325 आरोपित गिरफ्तार। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सपा प्रमुख पर हमला। बोले पिटाई दंगाइयों पत्थरबाजों की होती है दल अखिलेश यादव को होता है। कानपुर हिंसा के बाद रची गई थी प्रयागराज के अटाला उपद्रव की साजिश। पत्थर फेंकने के बदले दिए गए थे रुपए। लखनऊ में धारा 144 लागू होने के चलते कांग्रेस के प्रदर्शन करने पर रोक। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल को किया है तलब। गोरखपुर में पुलिस ने 25,000 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। रेप आरोपी था फरार। गोरखपुर में शादी के 12 दिन बाद युवक गिरफ्तार। युवक पर पूर्व गर्लफ्रेंड का रेप करने का आरोप है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की पत्नी का हाईकोर्ट में पिटीशन। पीडीए पर लगाया। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना और नसीबुद्दीन सिद्दीकी नजरबंद थे प्रदर्शन की तैयारी में।
फतेहपुर में 3 घरों में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख, 7 लाख का हुआ नुकसान, नहीं पहुंचे राजस्व कर्मी। अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने शव की पहचान की, पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी। रामपुर के न्यू कृष्णा बिहार कॉलोनी में मिला सौतेली मां बेटे का शव, पुलिस ने सुसाइड नोट में पति पर लगाया आरोप। हमीरपुर में हिंदुस्तान फैक्ट्री के पास मिला शव, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्लांट में काम करता था शख्स, झारखंड निवासी के रूप में हुई पहचान। गाजियाबाद से दिल्ली को निकले 250 कांग्रेसी गिरफ्तार, मौके पर ही धरने पर बैठे, पुलिस को चकमा देकर सत्ता चौक तक पहुंचे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे मसूरी, LBS प्रशासनिक एकेडमी के लिए हुए रवाना। जून से देहरादून में होगा सत्र, होमवर्क में जुटे सरकार के मंत्री, विधानमंडल दल की बैठक आज। देहरादून में ICC प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा बीजेपी बौखला गई है क्योंकि उसकी 3D पॉलिसी है। गैर शर्ट चले हरदा, जिस दिन दून में होगा बजट सत्र उसी दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी में धरना देंगे हरीश रावत। हरिद्वार विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पास, मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की मांग। अफगानिस्तान के 43 कैडेट का अंतिम बैच होगा IMA से पास आउट, तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद अफगान सेना का अस्तित्व समाप्त। उत्तराखंड सरकार को जल्द मिलेगी 23 IAS अफसर, PCS कैडर के लिए पद होंगे खाली, नए उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी पहुंचे फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, छात्र छात्राओं ने खूब के साथ खूब किया डांस। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिया टिहरी झील में बोटिंग का आनंद, साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उधम सिंह नगर के खेड़ा से 4 साल की मासूम का अपहरण, मांगी 15 लाख की फिरौती। हल्द्वानी में कांग्रेस की बैठक में पहुंचा निष्कासित कार्यकर्ता, बाहर निकाला तो गाली गलौज कर तोड़ी कुर्सी। मोदी सरकार के 8 साल पर बोले सीएम पुष्कर धामी, 55 साल कांग्रेस और एक ही परिवार का राज रहा। पिथौरागढ़ में ननिहाल जाते वक्त कार गहरी खाई में गिरी, सास बहू समेत 4 महिलाओं की मौत, दोनों भाई गंभीर। नैनीताल में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। यूपी में नौकरी के नाम पर उत्तराखंड में करोड़ों की ठगी, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम से दिया था झांसा। बाइडेन का सऊदी दौरा अटका, US प्रेसिडेंट को मानवाधिकार संगठनों के विरोध का डर, इसराइल को इस विजिट का बेसब्री से इंतजार।
पाकिस्तान के क्वेटा में आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, आतंक रोधी विभाग को मिली थी खुफिया जानकारी। भारतीय आध्यात्मिक गुरु बाइडेन से मिले बंदूक, हिंसा से निपटने के लिए शांति शिक्षा का सुझाव। पैगंबर पर टिप्पणी का मामला, बांग्लादेश ने कहा यह भारत का अंदरूनी मसला, हम कोई उकसाने वाला काम नहीं करेंगे। रूसी सेना ने उड़ा दिए यूक्रेन की नदी पर बने पुल, लोगों के निकलने का एकमात्र रास्ता भी खत्म। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को दी चुनौती। इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को दी चुनौती, कहा अगले चुनाव जीत कर दिखाइए। नूपुर के विरोध में अब कुवैत में बवाल, पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ प्रवासियों का प्रदर्शन, सरकार ने दिए गिरफ्तारी का आदेश। ईरान में हटाए गए IAEA के 2 परमाणु निगरानी कैमरे, बढ़ सकता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से तनाव। हांगकांग में विधान परिषद चुनाव पर ड्रैगन की कड़ी आलोचना, अमेरिका ब्रिटेन ने कहा उड़ाया लोकतंत्र का मजाक। ऑस्ट्रेलिया पर नया खतरा, 2000 किलोमीटर दूर चीन से सोलेमन आइलैंड में पुलिस ट्रेनिंग शुरू की, सीक्रेट डील पर अमल शुरू। महंगाई बढ़ने से घरों का कंस्ट्रक्शन रुका, बीते 5 महीने में महंगाई बढ़ी 7 बड़े शहरों में, 4.8 लाख घरों का कंस्ट्रक्शन अटका। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आया, रुपया पहली बार 78 के स्तर को किया पार, अमेज़न को चुकाना होगा जुर्माना। अमेज़न को चुकाना होगा 202 करोड़ का जुर्माना, NCLAT ने बरकरार रखा CCI का आदेश, जीवन बीमा एजेंट की भूमिका की पड़ताल करेगा IRDA। जीवन बीमा एजेंट की भूमिका का पड़ताल करेगा IRDA। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा नियामक को दिया निर्देश। पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक से की मुलाकात, G33 मंत्री स्तरीय बैठक के बाद यह बोले। इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर रहेगी नजर, फेडरल रिजर्व के फैसले और कच्चे तेल के दाम भी तय करेंगे बाजार की स्थिति। शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स में 1500 अंकों की गिरावट, निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए डूबे। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा लोन देने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आएगा सख्त नियम। LIC में गिरावट से सरकार भी परेशान, दीपक सेक्रेटरी बोले शेयर में गिरावट अस्थाई, लोगों को फंडामेंटल समझने में समय लगेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियर बढ़ा, क्लोमिया रेशियो बढ़ने का दिखा असर। IPL मीडिया राइट्स की नीलामी, EPL को पीछे छोड़ दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग बनी IPL, TV और डिजिटल राइट्स बिके। नॉटिंघम टेस्ट में अंग्रेजों की जोरदार वापसी, रूट पॉप ने जमाए सैकड़े, तीसरे दिन इंग्लैंड 473 से 10 रनों से पीछे।
दक्षिण अफ्रीका ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत। कटक टी20 में टीम इंडिया को 4 विकेट से हराया। भारत की दूसरी हार पर बोले जहीर खान, अब राहुल द्रविड़ को सख्त होना पड़ेगा। रेप केस में रोनाल्डो को मिली बड़ी राहत। 2009 में लगे आरोप में हुई बरी। मॉडल ने कहा था पहले होटल में हमला किया फिर रेप किया। जो रूट ने लगाया लगातार दूसरा शतक। टेस्ट क्रिकेट के इस रिकॉर्ड में भी विराट कोहली और स्वीट स्मिथ की बराबरी। बाबर आजम हुए फेल तो सरदार खान ने लूटी महफिल। पाकिस्तान ने टी20 के बाद वनडे में भी वेस्टइंडीज को किया सुपड़ा साफ। तमिलनाडु फुटबॉल टीम की हालत खराब। आर्थिक तंगी के कारण गेम छोड़ रही थी खिलाड़ी। कोच ने घर में रखकर ट्रेनिंग कराई। हार से बौखलाया अफगानिस्तान। एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों से की मारपीट। टीम इंडिया ने शिकायत नहीं की। गावस्कर ने की उमरान को प्लेइंग X1 में शामिल करने की मांग। बोले उसे देखना सचिन जैसा एक्साइटिंग। भूषण कुमार ने कार्तिक आर्यन को बताया सपोर्टिव। बोले उन्होंने शहजादा को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। छलका राजपाल यादव का दर्द। बोले मुझे कतई पसंद नहीं कॉमेडियन का टैग। ड्रग मामले में हिरासत में श्रद्धा के भाई। सोशल मीडिया पर फिर उठा सुशांत के लिए न्याय की मांग। सिंगर जस्टिन बीबर में दिखे रिकवरी के साइन। यूके के सर्जन चार्ल्स एंजुगा ने कहा जस्टिन बीबर ट्रीटमेंट से जल्द ठीक हो जाएंगे। मेजर की सफलता देख भावुक हुए अदीब शेज। कहा मैं हमेशा के लिए बदल गया। जियो फिल्म का नया सॉन्ग दुपट्टा हुआ रिलीज। 24 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने किया मधुबाला की बायोपिक पर रिएक्ट। बोले बायोपिक तो सबकी बनती है। के को याद कर भावुक हुए शान। कहा ऐसा लगा कि दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर कहा कि भाई जा रहा हूं। वापस आ रहा है मौत का खूनी खेल। पॉपुलर वेब सीरीज स्क्विड गेम के दूसरे पार्ट की हुई अनाउंसमेंट। डायरेक्टर ने फैंस को दिया स्पेशल मैसेज। यह कक्कड़ के ग्लैमरस और सिजलिंग लुक ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा। पति रोहनप्रीत बोले फिर से प्यार हो गया। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।